वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स इनकमिंग कॉल नॉट शोइंग प्रॉब्लम। दोस्तों जब भी हम किसी को कॉल करते हैं या हमारे फ़ोन पर कॉल आते हैं तब अचानक डिस्प्ले लाइट बंद हो रहा है, यहाँ तक कि उस समय पावर ऑन दबाने से डिस्प्ले पर लाइट भी नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें? दोस्तों ज़्यादातर समय इस तरह का प्रॉब्लम आपके फ़ोन में दिया गया प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से देखने को मिलते हैं। जब हम किसी का कॉल लगा के कान के पास ले जाते हैं तब प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से डिस्प्ले लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम या इसके ऊपर डस्ट जमने की वजह से ये ठीक से काम नहीं कर पाते। दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन सेटिंग्स को खोलने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे नीचे आइए, उसके बाद ऐप्स पर क्लिक करना है। नेक्स्ट मैनेज ऐप्स को ओपन करेंगे। मैनेज ऐप सेटिंग्स को खोलते ही यहाँ पे सारे इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशन का लिस्ट चले आएगा। आप ऊपर में जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इस पर टैप करके फाइंड करना है फ़ोन। फ़ोन लिखते ही आपके सामने दो एप्लीकेशन आएगा, फ़ोन सर्विस एंड फ़ोन। इन दोनों एप्लीकेशन का डाटा क्लीन करना होगा, तो मैं एक एक करके फ़ोन एंड फ़ोन सर्विस का डाटा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर जमा हुआ कचरा साफ करने के बाद कॉलिंग स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और हो सके तो अपना डिवाइस एक बार रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट का मतलब है फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना। इसके साथ साथ मैं आपको और एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ से बैक आइए, नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को ओपन करना होगा। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को खोलने के बाद फिजिकल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पावर बटन एंड कॉल का एक शॉर्टकट फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। जब कॉलिंग स्क्रीन ऑफ हो जाता है तब इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके दो बार पावर बटन दबाए कॉल कट कर सकते हैं। मतलब कॉल करने के वक्त अगर आपका स्क्रीन बंद हो गया तो अब दो बार पावर बटन दबाने से आपका जो कॉल था वो कट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कॉलिंग स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।